नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द एनजी इंस्टीट्यूट में। मैं हूं आपका दोस्त मनीष सुमात। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे हम एनबीसीसी इंडिया के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा, आज सुबह सुबह जब शेयर के अंदर जब मार्केट स्टार्ट हुआ था, शेयर के अंदर एक अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी। जी हाँ, अप्रोक्सीमेटली 3% के आसपास का गैप अप ओपनिंग देखने को मिला था, लेकिन शेयर अपने गैप अप को सस्टेन नहीं कर पाया। जी हाँ, शेयर अपने गैप अप ओपनिंग को सस्टेन नहीं कर पाया। सबसे पहले ये बता दूं मैं आपको कि ये गैप अप ओपनिंग हुई किस वजह से थी। जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं, बेसिकली कंपनी को एनबीसीसी इंडिया को दो प्रोजेक्ट मिले थे। जी, दो प्रोजेक्ट कंपनी के हाथ लगी थी, जिसमें एक प्रोजेक्ट जो मिला था कंपनी को मालदीव का मिला था। 320 करोड़ का कंपनी के हाथ एक प्रोजेक्ट मिला था मालदीव का। जी हाँ, आपको पता होगा मालदीव का 320 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला था। दूसरा प्रोजेक्ट जो कंपनी को मिला था 500 करोड़ का मिला था। जी हाँ, 500 करोड़ का मिला था, जो लद्दाख की ओर से कंपनी को एक प्रोजेक्ट मिला था। तो टोटल देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 820 करोड़ का प्रोजेक्ट कंपनी के हाथ लगा था आज के दिन। जी हाँ, कंपनी ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि 820 करोड़ का उनको टोटल प्रोजेक्ट मिला है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट सिटी के लिए है। तो बेसिकली कहा जाए तो एक अच्छा खासा उस वजह से शेयर के अंदर 3% का जंप देखने को मिला था आज शुरू मार्केट में। लेकिन अनफॉर्चुनेट रहा कि कंपनी ने मतलब मार्केट गिरता रहा। जी हाँ, मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है आज पूरे दिन। इस वजह से शेयर के अंदर भी मोमेंटम नहीं बना रहा। कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ कोई बात नहीं है, कल फिर से उठेगा। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने अगर नए इन्वेस्टर है तो आपको पता नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत समय से इस शेयर को अच्छे खासे मॉनिटर करते आया हूँ। हर बार मेरा प्रेडिक्शन इस शेयर के ऊपर हमेशा सही रहा है। तो मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, ये जो आप सोच रहे हैं ना कि मतलब इस 820 करोड़ के ऑर्डर की वजह से शेयर के अंदर एक अच्छी खासी रन देखने को मिलेगी, शेयर 50 से 55 60 70 80 ऐसे पहुंच जाएगा, तो गलती कर रहे हैं आप। जी हाँ, आप अगर नए इन्वेस्टर हैं तो आपको पता नहीं है, इससे पहले भी कंपनी के हाथ हज़ार करोड़ का बहुत सारे प्रोजेक्ट लगे हुए हैं हाथ में। बहुत सारे प्रोजेक्ट पेंडिंग भी है कंपनी के हाथ में। बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। जी हाँ, अगर आप जाके कंपनी का बैलेंस बुक चेक कीजिएगा, आप देखिएगा बहुत सारे कंपनी के पास प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं। हर महीने में कंपनी के पास 500 से 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट लगता ही है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कंपनी के हाथ में लगता ही। हाँ, ये पॉजिटिव चीज़ है कि कंपनी के मतलब शेयर के अंदर एक अच्छा खासा रन दिखना चाहिए। लेकिन इस वजह से आप अगर सोचते हैं कि शेयर के अंदर एक तेज़ी देखने को मिलेगी, तो आप गलती करें। क्योंकि मैं इस शेयर को अच्छा खासा बहुत करीब से मॉनिटर करता हूँ। मैं हमेशा देखते आया हूँ कि जब भी शेयर के हाथ कोई अच्छा खासा प्रोजेक्ट लगता है ना, तो शेयर एक दो दिन तक ठंडा रहता है। जी हाँ, अगर मार्केट नॉर्मल ट्रेड करता है तो एक दो दिन तक ठंडा रहता है, उसके बाद एक तेज़ी देखने को मिलती है शेयर के अंदर। तो अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं कि इस न्यूज़ के बाद भी अगर शेयर नहीं उठाया, आप अगर आज बाई क्यों, आपको लगा कि भाई बैठा क्यों नहीं, तो बस मैं यही बोलूँगा, इंतज़ार कीजिए। एक दो दिन हो सकता है मार्केट ठंडा हो जाए, शेयर के अंदर कोई मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन उसके बाद एक अच्छा खासा आपको रन देखने को ज़रूर मिलेगा। और जो लोग ऊपर के लेवल फंसे हुए हैं, मैं उनको एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए, शेयर में बुल रन तभी देखने को मिलेगा जब शेयर 42 का क्लोजिंग देगा। जी हाँ, जब तक शेयर 42 का क्लोजिंग नहीं देगा, याद रखिए इस चीज़ को आप गांठ बांध के सुन लीजिए, जब तक शेयर 42 प्लस का क्लोजिंग नहीं देगा, तब तक ये शेयर ऊपर की ओर नहीं जाएगा। ये मैं लिख के देता हूँ आपको। तो सबसे पहले आप जैसे ही शेयर 42 के आसपास जाए और 42 प्लस का क्लोजिंग अगर दे दे, तो समझ लीजिए कि उसके बाद आपको भर भर के पैसा लगाना है। क्योंकि उसके बाद आपको आराम से 47 से 48 का टारगेट, इवन उसके बाद 52 का भी टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि सबसे पहले जो ज़रूरी लेवल है वो है 42। जब तक 42 का लेवल शेयर टच नहीं करता है, उसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं देती है, तब तक आप ये मत सोचिएगा कि शेयर के अंदर एक अच्छी खासी जंप देखने को मिल सकती है। जैसे ही 42 के ऊपर का शेयर क्लोजिंग देता है, एक अच्छा खासा वहाँ से आप बाई कीजिए। वहाँ से आप 48 से लेकर 52 तक के टारगेट आराम से आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि 15 से 20% तक का टारगेट हो सकता है। तो मैं आपको यही बोलूँगा, अगर आपके पास शेयर है तो इस लेवल का इंतज़ार कीजिए जो मैंने बताया है। इसके नीचे जितना भी आपको शेयर मिले ना, 40 के नीचे अगर आपको शेयर मिलता है, जितना मिलता है भर के रखिए, क्योंकि यहाँ रिस्क नहीं है। जी सर, यहाँ रिस्क नहीं है, शेयर आपको अच्छा खासा रिटर्न जरूर बना के देगा, ये मेरी गारंटी है। साथ में ये भी बताना चाहूँगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, साथ में साथ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँ। ताकि देखिए, एक सही लेवल पर बाय कीजिएगा तभी आपको सही फायदा होगा, सही लेवल पर बाय नहीं कीजिएगा तो आप लॉस लीजिएगा। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, साथ में साथ सब्सक्राइब कर दीजिए।